प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई और 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय पर्व की परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस बार की परेड में भारत की तीनों सेनाएं भी मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई और 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय पर्व की परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस बार की परेड में भारत की तीनों सेनाएं भी मौजूद रहेंगी। भारतीय वायुसेना के रफाल विमान फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। नौसेना के 4 अफसर और 64 नौसैनिक परेड में शामिल होंगे। साथ ही जंगी जहाज INS चेन्नई भी 12 जुलाई से 16 जुलाई तक फ्रांस में ही रहेगा। भारतीय सेना ने पंजाब रेजिमेंट का दस्ता भेजा है जो परेड में हिस्सा लेगा। इस दौरे में केवल भारतीय सेनाओं की ही उपस्थिति फ्रांस में नहीं होगी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में भारत और फ्रांस के बीच रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय नौसेना के लिए लड़ाकू विमानों का सौदा। भारतीय नौसेना को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट की तलाश। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे में नौसेना के लिए रफाल फाइटर जेट खरीदने पर बात आगे बढ़ सकती है। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट के साथ साथ भारतीय नौसेना को नई सबमरीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत ने फ्रांस के सहयोग से ही कलवरी क्लास की 6 सबमरीन बनाई हैं, जिनमें से 5 नौसेना में शामिल भी हो चुकी हैं। अंतिम सबमरीन के अगले साल तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। खबरें ये हैं कि इस यात्रा में फ्रांस के साथ 3 और कलवरी क्लास के भारत में ही निर्माण पर समझौता हो सकता है। अगर ये समझौता हो गया तो नौसेना के सबमरीन बेड़े में जल्द इजाफा हो सकता है, यानी हिंद महासागर में भारत के शत्रुओं की तकलीफ और बढ़ सकती है। इस सौदे के हो जाने से भविष्य में मल्टीरोल और दूसरे हेलीकॉप्टरों के लिए देश में ही ताकतवर इंजन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जोर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर रहने की संभावना है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट चाहिए, स्वदेशी हेलीकॉप्टर के लिए इंजन की तकनीक चाहिए। सबमरीन बनाने की तकनीक भले ही विदेश से आए, लेकिन उनका निर्माण भी देश में ही होगा। इन समझौतों से तीनों ही सेनाओं को फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।